नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या फॉर्म हो सकते हैं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके स्कूल टेस्ट या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट इस चैप्टर की ये वीडियो है। इट वॉज बिलीव डेट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। ये ऐसा माना जाता था काफी लंबे समय से कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना, वो किसी एक पर्सन को दे दिया जाए या फिर कई लोगों का ग्रुप हो पर्सन का, उनको दे दिया जाए। ऐसा काफी लंबे समय तक माना जाए कि सेंटर में ही रहे, कुछ लोगों के पास ही पावर रहे तो काफी ज्यादा अच्छी है। बट आफ्टर इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी इट हैज चेंज। पर डेमोक्रेसी जैसे जो आइडियोलॉजी निकल के आई है, जो थॉट निकल के आया है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि ये बदल चुका है। हमारा ये मानना बदल चुका है कि पावर सेंटर में रहना चाहिए। हमारा मानना ये हो चुका है कि पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो पीपल रूल करते हैं, जनता का शासन होता है। यानी जनता अपने लीडर को चुनती है, वही लीडर पे रूल करता है। ऐसा तो नहीं होता कि किंग वगैरह चुना, किंग आप किंग का बेटा किंग वही हम पे रूल करे, ऐसा तो होता नहीं है। सेल्फ गवर्नमेंट होती है, हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट होती है। डाइवर्स ग्रुप ऑफ व्यूज एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनकी वैल्यू की जाती है, उनके व्यूज भी एग्जिस्ट होते हैं, यानी उनकी बातों को सुनी जाती है। और एवरीवन हैज अ वॉइस, हर एक इंडिविजुअल के पास उसका बोलने का अधिकार रहता है। डेमोक्रेसी के अंदर उसके पास बोलने का अधिकार रहता है कि उसके लिए क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है। तो जो कि डेमोक्रेसी की कुछ चीजें अच्छी हैं। अब क्या होता है, इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स। अब यहां से इम्पोर्टेंट होता है कि जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, उसके अंदर पावर को किस तरीके से शेयर किया जाता है, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताइए। ऐसे एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा, लेकिन वो जरूर लिखेगा कि बताइए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो उसके लिए अब हमारा होता है शुरू। तो पहला फॉर्म जो हमारा आता है वो आता है पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी अगर आपको पावर शेयर करनी है तो आप क्या करो, गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनमें शेयर कर दो। ऑर्गन कौन से कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, लेजिस्लेचर वो होता है जो कानून बनाता है, बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लागू करवाता है। जुडिशरी क्या करता है, देखता है, चेक करता है कानून सही है कि नहीं, अगर कोई तोड़ रहा है तो उसके ऊपर जजमेंट वगैरह का ये काम करता है। वी कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मेन इंपॉर्टेंट, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और पावर क्यों कहा जाता है ऐसा, इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके काम तो अलग अलग होंगे। लेजिस्लेटर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का काम अलग है, पर इनकी जो पावर्स का जो लेवल सेट किया गया वो एक ही है। यानी तीनों की लेवल एक ही किया गया, काम तो अलग अलग डायरेक्शन में करेंगे नो डाउट, लेकिन जो पावर है उनकी वो एक लाइन में डिसाइड कर दी गई, एक लिमिट है इसकी कि भैया आप यही है पावर आपकी इतनी। और तीनों की पावर एक जैसी ही है, एक ही है, इनके पावर किसी के पास कम ज्यादा पावर नहीं है, तो इस वजह से इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। सच आर सेपरेशन इंश्योर डेट नो वन ऑफ द पावर ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ऐसा इस वजह से किया जाता है, सबको पावर एक जैसा इस वजह से दिया जाता है ताकि कोई भी अपने पावर को मिसयूज ना कर सके। अगर मान लेते हैं इसको हम पावर ज्यादा दे दे तो पूरा चांस बनता है कि अपनी पावर का मिसयूज करे और इन दोनों को परेशान करे, क्योंकि तीनों की पावर एक लिमिट में तय की गई है। तो ऐसे में तीनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ही परेशान करेंगे, कोई किसी पर ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। आगे देखा जाए, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। जो हर एक ऑर्गन जो होता है वो एक दूसरे को चेक करता है, क्योंकि पावर सेम ही है इनकी, तो एक दूसरे को चेक करते रहते कि कौन सही कर रहा है, कौन नहीं गलत कर रहा, फिर वो वॉइस भी उठाते हैं उसके ऊपर। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है, कि किस तरीके से पावर को बैलेंस यहाँ पे किया जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। इस सिस्टम को हम चेक्स और बैलेंस भी हम कहा जा सकता है। ये तो रहा हमारा दूसरा पहला पॉइंट। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। जो पावर है वो शेयर की जाती है गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग लेवल्स पे। जैसे अलग अलग लेवल क्या होते हैं, पहला आता है फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट।
काम मतलब काम तो सबका एक ही है, बस नाम अलग अलग है। किसी को फेडरल कहा जाता है, कहीं में सेंट्रल कहा जाता है, कहीं पे यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। यह आता है हमारा पहला पहला लेवल आता है। इसमें क्या होता है, जो लोग होते हैं ये लोग, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट, ये लोग पूरी कंट्री पे रूल करते हैं। जो भी कानून वगैरह बनाते हैं, लॉ वगैरह बनाते हैं, पूरी कंट्री के लिए बनाया जाता है। दूसरा आता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, जैसे हमारी कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट है, तो वो स्टेट स्पेसिफिकली स्टेट के लिए ही बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में, अगर ये वगैरह कानून बनाएंगे तो पूरी दिल्ली, पूरे दिल्ली में ही वो लागू होगा, कहीं और बाहर लागू नहीं हो सकता। यूपी में वो लागू नहीं किया जा सकता जब तक वहां का जो हेड है वो उसको लागू ना करवाए। लेकिन अगर ये कोई कानून वगैरह बनाता है तो ये पूरे देश में माना जाएगा। अगला आता है रीजनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। रीजनल और लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, बेसिकली हम एमसीडी जानते हैं, गांव के अंदर पंचायत होती है और शहरों के अंदर एमसीडी होती है, तो इसको रीजनल लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। अगर इनकी पावर को देखा जाए तो लोकल गवर्नमेंट के पास पावर कम रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज्यादा रहती है, और अगला आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास और ज्यादा हो जाती है। तो मैनी कंट्रीज डू नॉट हैव लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो यहां हमें एक लेवल देखने को मिलता है, कम ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ऐसा कई कंट्रीज में ऐसा लेवल नहीं होता। वेयर देयर आर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कई देशों में ऐसा नहीं होता, और जिन भी देशों में ऐसा लेवल दिया गया है कि इसके पास इतना, इसके पास इतने पावर, इसके पास इतने, इससे ज्यादा पावर है, तो उस वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये लिखा गया है कि किसके पास कैसी पावर्स है, वरना डिस्प्यूट हो सकता है। ये कोई काम है तो तीनों कहने लगे काम मेरा है, काम मेरा है, मेरा काम है, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे में इनकी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है कि आपका काम क्या है, आपके दायरे क्या है, क्या चीज आपके अंडर में है, क्या चीज आपके अंडर में नहीं है, ताकि आगे चल के कभी लोग आपस में लड़ाई वगैरह ना करे। अगर तो भी लड़ाई वगैरह हो जाती है तो जुडिशरी है वो चेक करती है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिविजन ऑफ पावर, इसे फेडरल डिविजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। वी कॉल इट वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर, इसे हम वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछे कि वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर क्या है तो आप यही लिख दीजिएगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि साफ साफ है वर्टिकल डिविजन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हाई और लो लेवल की पावर दी गई है। जैसे लोकल गवर्नमेंट के पास कम है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे ज्यादा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उससे भी ज्यादा है। तो इसे इसी वजह से इसे वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है कि धीरे धीरे इसके अंदर बढ़ते जाता है, और जो फर्स्ट वाला पढ़ा उसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और इसे वर्टिकल डिवीजन कहा जाता है पावर्स का। आगे देखें तो थर्ड पॉइंट आता है, वो कहता है पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो पावर है वो सोशल जो ग्रुप्स हैं अलग अलग उनमें भी शेयर की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप होते हैं हिंदूज के, मुस्लिम्स का, और लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेस पर, जैसे पंजाबीज का, गुजरातीज का, अलग अलग इनका लिंग्विस्टिक ग्रुप होता है, ये कम्युनिटी होती है। गवर्नमेंट इज बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस अरेंजमेंट, और इसी के लिए जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो बेस्ट एग्जांपल है इस अरेंजमेंट के लिए। वो कौन सी कम्युनिटी गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही है बेल्जियम वाली। हमने पढ़ा था बेल्जियम के अंदर से किस तरीके से कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया गया है। सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दरअसल क्या होता है कि कई कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका होता है उसके अंदर लीगल अरेंजमेंट किए गए होते हैं सोशली वीकर सेक्शन के लिए, वुमेन के लिए। दरअसल क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको जगह दी गई होती है कि जो सोसाइटी के अंदर जो वीकर सेक्शन है या फिर जो औरतें हैं जो वो बहुत ही पीछे रह चुके हैं, उनको सोसाइटी ने आगे आगे का दर्जा नहीं है उनको, तो ऐसे में क्या होता है इन लोगों को पावर दी जाती है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। इस वजह से लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में इनको पावर दी जाती है ताकि ये लोग अपना विकास कर सके, खुद डेवलप हो सके। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट, और ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि गवर्नमेंट के अंदर उनको स्पेस मिल सके, क्योंकि ये पावरफुल होते तो स्पेस की दिक्कत ही कहाँ होती, क्योंकि ये वीकर हैं, तो इस वजह से इनको स्पेस दिया जाता है ताकि ये लोग आए और अपना विकास कर सके पूरे पूरे सोसाइटी के लिए। एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप एंड अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर ऐसा ना किया जाए,
अगर इनको इनको स्पेशल अगर इनको कह सकते हैं रिजर्वेशन ना दिया जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि इन लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि हमारे साथ गवर्नमेंट बर्ताव अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि हम तो वीक हैं और जो लोग वीक नहीं है दोनों लोगों के साथ एक ही जैसा ट्रीटमेंट कर दे तो कहां की ये अच्छी बात है, तो इंसाफ ही नहीं है। तो इस वजह से इनको ऐसा ना लगने लगे वुमेन या फिर सोशली वीकर सेक्शन को कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसे में इनको पावर दी जाती है कि चलो ठीक है आप भी आओ गवर्नमेंट के अंदर, आप भी काम वगैरह करो। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर, और ऐसा इस वजह से ताकि आपकी भी हिस्सा बन चुके जो माइनॉरिटी लोग होते हैं और या फिर वीकर सेक्शन जो होते हैं या वुमेन होते हैं उनको ऐसा दिया जाता है ताकि आप भी आओ आप भी काम वगैरह करो। फोर्थ पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट होने वाला है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। ये जो पावर शेयरिंग है हम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में भी देख सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स में भी डिवाइड की जा सकती है, आंदोलन जो वगैरह होते हैं मूवमेंट वगैरह होते हैं इनके द्वारा कंट्रोल या फिर इन्फ्लुएंस की जा सकती है। इसके लिए एक चीज समझो, जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं और उस इलेक्शन के अंदर जो जीतता है वो रूल करता है, सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, रूल करता है। इलेक्शन के अंदर एक चीज तो तय होती है कि कंपटीशन होना, उस कंपटीशन से क्या हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि डेट पावर डज नॉट रिमेन इन द वन हैंड, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं रहेगा यही रहेगा तो ऐसे में पावर इसी के पास ही रहेगी। बट अगर कॉम्पिटिशन इसके और भी कई लोग हैं तो ऐसे में कंपटीशन होता है जिससे ये इसको डर लगेगा कि ये पावर यहां पे भी जा सकती है, यहां पे भी जा सकती है और यहां पे भी जा सकती है, डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, और एक हाथ में पावर नहीं रहने वाली। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अगर लंबे समय में देखे जाए, लॉन्ग रन में देखें, जो पावर है वो शेयर की जाती है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स, या क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये जो मेन पार्टीज हैं ये लोग क्या करती हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होती है उनको भी ये रिप्रेजेंट करती है। समटाइम्स इट कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस इज इलेक्टेड, कभी कभी ये डायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट इस वजह से होता जाता है कि दो पार्टी डिसाइड कर लेती हैं कि हम दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते। तो जब दोनों मिल जाती हैं तो ऐसे में क्या हो जाता है कि इनकी भी आइडियोलॉजी भी आ जाती है और इनकी भी आइडियोलॉजी आ जाती है, तो दोनों आइडियोलॉजीज मिलकर काम करती हैं। दे फॉर्म अ कोलिशन, एक कोलिशन कर लेती है, यानी इन दोनों को जुड़ने को ही कोलिशन कहा जाता है, कोलिशन गवर्नमेंट एंड थर्स शेयर पावर, और दोनों मिलकर ही पावर को शेयर करते, तो ये भी आइडियोलॉजी देश पर रन करेगी, ये भी आइडियोलॉजी देश पर रन करेगी, रूल करेगी। वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, हम अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का यूनियन होता है, बिजनेसमैन का यूनियन होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, इनका भी अलग अलग यूनियन होता है, और ये यूनियन क्या करता है, ये भी पावर का इनको भी पावर मिलती है, कैसे मिलती है वो समझते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट, इनका भी गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा होता है, कैसे, पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू, यानी पार्टिसिपेशन कैसे कि गवर्नमेंट कोई भी रूल वगैरह बनाती है, कमेटी फॉर्म वगैरह करती है, तो इनको बुलाती है कि आप लोग आओ आप अपनी राय दो, क्योंकि कानून हम आप लोगों के लिए ही बना रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाना चाहिए, तो लोग सलाह वगैरह देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, तो इस वजह से भी इनको हुआ ना पार्टिसिपेशन, और इस तरीके से भी इनको पावर में शेयर मिल गया कि इनको भी पूछा जा रहा है। और दूसरा तरीका होता है ब्रिंग इन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या तो ये इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जैसे कि क्या होता है मूवमेंट के थ्रू कि गवर्नमेंट ने कोई रूल वगैरह बना दिया तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या करते हैं उसके खिलाफ आंदोलन छोड़ देते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, धरना वगैरह देने लगते हैं, स्ट्राइक वगैरह करने लगते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि गवर्नमेंट को अपने फैसले बदलने पड़ जाते हैं और वो फिर इनकी सुनती है कि चलो ठीक है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो हमें बताओ और क्या क्या हम कर सकते हैं और रास्ता निकालते हैं। तो इस तरीके से दो, या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू ये ला सकती हैं या फिर मूवमेंट वगैरह करके भी ये लोग अपनी बात मनवा सकते हैं, और इस तरीके से इनको पावर का शेयर मिल जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये टॉपिक जो मैंने आज करवाया बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करो,
क्योंकि हो सकता है उनको ये पता ना हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने फेवरेट दोस्त को इस वीडियो को भेजो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसके नोट्स बना लो, इसे याद कर लो अच्छे से, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।